वेलकम टू एजुक्लिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके मॉर्निंग की शुरुआत हमारे साथ। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए रोज का डबल डोज, जिसमें है एक कैप्सूल दो कदम। आज है 27 नवंबर, तो 27 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिटेल से बात करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज की करंट अफेयर्स की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर एक प्लेटफॉर्म पर जहां चाहे वहां फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और दोस्तों, कल का कैप्सूल लिया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक लेलैंड लिमिटेड ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया है ICICI बैंक के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर। वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड लिमिटेड ने ICICI बैंक के साथ 2 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICICI बैंक ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अशोक लेलैंड के अधिकृत डीलरों के साथ काम करेगा। अब ये समझौता किया है अशोक लेलैंड ने, इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1948 को। अशोक लेलैंड की स्थापना रघुनंदन शरण ने की थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में तथा इसके MD एंड CEO हैं विनोद दसारी एवं अशोक लेलैंड की पेरेंट कंपनी का नाम है हिंदुजा ग्रुप। अब समझौता हुआ है ICICI बैंक के साथ, तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1994 में। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में तथा इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया है। इस मेले का उद्देश्य पारंपरिक आदिवासी कला और शिल्प को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। अब यह शिल्प मेला शुरू हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर तो यही है नवीन पटनायक, द गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर इटावा लायन सफारी का उद्घाटन हुआ है? तो उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा में इटावा लायन सफारी, जो कि इटावा सफारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसे बच्चों के साथ साथ युवाओं के लिए शिक्षाप्रद पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य इटावा को देश का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना है। अब यह लायन सफारी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे द्वारा IRIFM की स्थापना कहाँ की गई है? तो स्थापना हुई है तेलंगाना में। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय रेलवे द्वारा IRIFM यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। इसकी स्थापना रेलवे के वित्त प्रबंधन में प्रशिक्षण करने के लिए की गई है। अब यह स्थापना हुई है तेलंगाना में, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव तथा तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदर राजन एवं स्थापना की है रेलवे ने, तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल तथा रेलवे के चेयरमैन हैं BK यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 63वीं राष्ट्रीय शॉर्टगन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? वे जीता है संग्राम दहिया ने और वर्षा बर्मन ने। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट आंसर हैं। संग्राम दहिया और वर्षा बर्मन ने 63वीं राष्ट्रीय शॉर्टगन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। संग्राम दहिया ने पुरुष वर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन अंकुर मित्तल को हराया है, वहीं वर्षा बर्मन ने महिला वर्ग में मनीषा कीर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहां पर क्लैप सेवा शुरू की गई है? तो एक क्लैप सेवा शुरू हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में क्लैप यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विसेज आवास पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उपयोग करके एक लाभार्थी रियल टाइम में अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकता है तथा स्टॉक होल्डरों
एवं लाभार्थी के बीच सब्सिडी जारी करने के लिए तालमेल बना रहता है। अभी यह सेवा शुरू की गई है नई दिल्ली में, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल तथा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में किसे द्वितीय स्थान मिला है? तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है विराट कोहली ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, इसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली को दूसरा स्थान मिला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले पायदान पर हैं। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे तथा मयंक अग्रवाल ने टॉप 10 में जगह बनाई है। अभी यह रैंकिंग जारी की है ICC ने। तो ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। ICC के चेयरपर्सन है शशांक मनोहर तथा CEO हैं मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा की निगरानी के लिए किसने प्रहरी ड्रोन का निर्माण किया है? तो निर्माण किया है IIT कानपुर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के प्रोफेसरों एवं विद्यार्थियों ने मिलकर प्रहरी नामक ड्रोन का निर्माण किया है, जिसका उपयोग सीमा पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाएगा। यह ड्रोन 4 से 5 किलो वजन उठा सकता है तथा दुश्मन ड्रोन को अपने जाल में फंसा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके साथ ही 26 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमन बिल्ला। ऑप्शन बी राइट आंसर। केरल कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुमन बिल्ला को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के नए प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन एक एजेंसी है जो सार्वभौमिक रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 158 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। अब देखिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया है? तो ये बना है नवीडिया ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट अजूर पर क्लाउड आधारित दुनिया के सबसे बड़े एक नए तरह के सुपर कंप्यूटर का डिजाइन किया है। इस सुपर कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशनों की मांग पूरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नवीडिया का हेडक्वार्टर सांता क्लारा कैलिफोर्निया अमेरिका में है तथा इसके CEO हैं जेनसिंग हुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 10 दिसंबर तक 19 जिलों में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को दवा वितरित की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि फाइलेरिया संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। अब आपके लिए आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन के बारे में अब जितना ज़्यादा लिखोगे प्रभाव कभी नहीं भूल पाओगे, तो इसकी आप हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।